हेलो स्टूडेंट्स, वेल्कम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसे हमने पहले इंडेफिनेट के चारों कंप्लीट किए हैं, उसके बाद हमने पास्ट के चारों कंप्लीट किए, यहाँ पे हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हम देखेंगे सिंपल, देखेंगे पॉजिटिव, सिंपल या पॉजिटिव बोलो, नेगेटिव देखेंगे और इंटरोगेटिव देखेंगे। साथ में हम देखेंगे डब्ल्यूएस फैमिली वर्ड से स्टार्ट होने वाले वर्ड। तो जैसे हमने वहाँ पे देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखा था रहा है, रही है, रही है। उसके बाद हमने पास्ट कंटिन्यूअस में देखा था कि वहां पे हमने क्या देखा था कि वहां पे हमारे पास क्या था, रहा था, रहे थे, रही थी। तो यहाँ पे हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा, रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारे सिंपल वाले, देन नेगेटिव, उसके बाद इंटरोगेटिव, उसके बाद नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, और डब्ल्यू एच वाले देखेंगे बाद में इनको करने के बाद। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे होता है सब्जेक्ट। हमारे पास सब्जेक्ट, हम किसको बोलेंगे जिसके बारे में बात करी जाए, जैसे मैं हो गई, आप हो गए, उनको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे लगती है हेल्पिंग वर्ब, और हमारे कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल और शैल, और साथ में लगाते हैं हम यहाँ पे इसके बी, ठीक है, विल शैल और साथ में लगेगा इसके भी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट, तो ये वाली इसकी बेसिक स्ट्रक्चर रहती है। अगर आपने एक सिंपल वाले की भी पढ़ ली ना, उसके बाद नेगेटिव में तो कुछ करना ही नहीं होता, बस लगा नोट लगाना होता है विल शैल उसके बाद नोट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट। ऐसे ही हम इंटरोगेटिव में देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा विल शैल आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, उसके बाद हमारे पास रहता है सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव में क्या रहेगा, सबसे पहले हमारे पास आएंगे विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो विल शैल किसके साथ लगेगा, हमारे पास दो चीजें होती है, एक होती है सिंगुलर और एक होती है प्लूरल। तो सिंगुलर के साथ हमारा विल लगेगा और आई वी के साथ आपका शैल लगेगा, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो आई वी के साथ आपका क्या लगेगा, शैल, और जो हमारा सिंगुलर होगा उसके साथ हमारे पास क्या लगेगा, वी लगेगा, जैसे ही, शी, इट हो गया, किसी का नाम हो गया। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से इसको अब समझेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि वी खाना खा रहे होंगे, वे खाना खा रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, किसकी बात हो रही है, वे की बात हो रही है, इट मीन्स क्या, दे, और दे के साथ क्या लगेगा, विल। उसके बाद विल के बाद ये बी है, ये फिक्स है, तो हम लगाएंगे बी। और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है कि खा, खा मीन्स खाना, मीन्स क्या बोलते हैं, ईट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे विल बी ईट, और आई एन जी हमने लगाना ईटिंग, और हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, खाना, फूड, तो ईटिंग फूड, तो दे विल बी ईटिंग फूड, ऐसे हमने बनाना है। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, वे खाना नहीं खा रहे होंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आएगा, तो दे, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दे के साथ विल लगेगी, उसके बाद नोट, उसके बाद हमारे पास बी, और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, आई एन जी और ऑब्जेक्ट, दे विल नॉट बी ईटिंग फूड। उसके बाद क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव में क्या होगा, विल शैल है वो पहले आ जाएगा, तो क्या, विल, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, दे, उसके बाद बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो विल दे बी ईटिंग फूड। उसके बाद क्या, वे खाना नहीं खा रहे होंगे, तो इसके बाद क्या जाएगा, पहले विल शैल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, दे, नोट, बी, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, और क्या हो जाएगा, फूड, विल दे नॉट बी ईटिंग फूड, ऐसे आपने इनको बनाना है। तो यहाँ पे हमने एक प्लूरल का एग्जाम्पल देखा है, एक हम यहाँ पे शैल को यूज करके देखेंगे, तो जैसे हम लाइब्रेरी से किताबें ला रहे होंगे, ठीक
ठीक है, तो इस टाइम मुझे यही जाना है, हम लाइब्रेरी से किताबें ला रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो, हम के लिए सब्जेक्ट हमारे पास है वी, और वी के साथ आई वी के साथ शेल लगता, तो यहाँ पे क्या लगेगा, शेल। उसके बाद हमारे पास बी, और लाना हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, टेक, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, तो वी शेल बी टेकिंग। और उसके बाद क्या हो जाएगा, क्या लेके आ रहे हैं, बुक्स, कहाँ से लेके आ रहे हैं, फ्रॉम लाइब्रेरी। ऐसे आपने इसको बनाना है कि वी शैल बी टेकिंग बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी। सेकंड क्या बनेगा, हम लाइब्रेरी से किताबें नहीं ला रहे होंगे, तो वी शैल नॉट बी टेकिंग बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी। उसके बाद क्या हम लाइब्रेरी से किताबें ला रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, शैल वी बी टेकिंग बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा कि क्या हम लाइब्रेरी से किताबें नहीं ला रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, शैल वी नॉट बी टेकिंग बुक्स फ्रॉम, ऐसे आपने इसको करना है। आप अपने हिसाब से अपने इसके टेंस बना के देख लेना, तो आपको ये वाली चीज है वो क्लियर हो जाएगी। अब हमारा लास्ट बचता है डब्ल्यू एच फैमिली वाला, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, डब्ल्यू एच फैमिली में हमारे पास क्या है, सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली में कौन से वर्ड आते हैं, वेहर, वह, व्हाट, ऐसे ऐसे हमारे पास वर्ड आते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, सबसे पहले लिखो डब्ल्यू एच फैमिली, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल शैल। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे बी, और उसके बाद हमारे पास जो चीजें चलती रहती हैं वो लिखेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस में आई एन जी प्लस में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि तो जैसे हम बोले वे शैल कहाँ जा रहे होंगे, ठीक है, तो वे कहाँ जा रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो, वे कहाँ जा रहे होंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्या होएगा, कहाँ के लिए क्या हो जाएगा, वेयर। उसके बाद यहाँ पे क्या लगेगा, वे के साथ क्या लगेगा, विल। उसके बाद दे, और उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट हमने लिख लिया, उसके बाद बी गोइंग, तो वेहर विल दे बी गोइंग, ऐसे हमने इनको बनाना है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इनको ट्राई करके देख लेना, होपफुली आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके परफेक्ट टेंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।